हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, इसे हम सबको अपनाना है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, सब नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरा पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। उसी दिन मेरा जीवन सफल होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करूंगा। शारदा चरण मित्र। जब हम अपना जीवन जननी हिंदी मातृभाषा हिंदी के लिए समर्पण करते, तब हम देश के प्रेमी कहे जा सकते हैं। सेठ गोविंद दास। अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ना है तो चाहे कोई माने या ना माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह और किसी भाषा को नहीं मिल सकता। हिंदी बनाती हमें महान, हिंदी है हमारा स्वाभिमान, देश की है यह शान, हिंदी से है हिंदुस्तान। आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी दीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है। जिस तरह बोलते हैं, आप जिस तरह बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए। हिंदी जिसका नारा है वो भारत हमको प्यारा है। व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का सफर मुश्किल हो गया। हिंदी जैसी सरल भाषा दूसरी नहीं है। अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी देश की भाषा है, हम हिंदी हमारी पहचान है। भाषा और उसके साहित्य को सर्वांगीण सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता है। हिंदी को तुरंत शिक्षा का माध्यम बनाइए। हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। मेरा जीवन सफल होगा जिस दिन मैं सारे भारतीय वासियों के साथ शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करूंगा। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी जैसी सरल भाषा दूसरी नहीं है।
हिंदी के ऊपर आघात पहुंचाना हमारे प्राण और धन पर आघात पहुंचाना है। देवनागरी ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है। रविशंकर शुक्ल। हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। के परस्पर व्यवहार के लिए हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से जानता